कैरेटन बूम एक डच महिला थी जो अपने पिताजी के साथ घड़ी का व्यापार करती थी। फिर वह लेखिका बनी। दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्होंने बहुत से लोगों को हिटलर और नाजी लोगों से छिपा कर रखा और उनकी जान बचाई। बाद में कैरेटन और उनके परिवार वालों को नाजी कैदखाने में डाल दिया गया। जिस कैदखाने में 150 लोगों को डालना था वहां 500 लोगों को डाल दिया गया और लोगों को मार दिया गया। उसी कैदखाने में कैरेटन बूम के पिता और बहन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार था उसे कैरेटन ने एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, आपने मेरे और मेरे परिवार के साथ जो भी किया उसे मेरे परमेश्वर ने अच्छाई में बदल दिया। इस दुख के समय मैं अपने परिवार वालों के बहुत करीब आ सकी। मैंने आपको पूरे मन से क्षमा कर दिया है और आपके लिए प्रार्थना भी करती हूं। दोस्तों, क्या आप भी कैरेटन बूम के समान दुख और तकलीफ को झेल रहे हैं? क्षमा एक ऐसी चीज है जो मन में सुकून देती है और नफरत को खत्म करती है। इसलिए जिनके द्वारा आपको तकलीफ हो रही है उन्हें क्षमा करें। लेकिन आप क्षमा तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर पिता का प्रेम आपके अंदर होगा, क्योंकि क्षमा परमेश्वर के प्रेम का एक गुण है। दोस्तों, जब हम साल के अंत में आ चुके हैं और एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आइए संकल्प लें कि हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें।